नाम बहुत लोग हुआ नहीं तो कोई बात नहीं अध्यक्ष जी नहीं अध्यक्ष जी प्रवर शक्ति को सौंपने के लिए कई तर्क सामने आए लेकिन तर्क देते समय मैं थोड़े अलग अलग विषय पर जो तो बातें रखी है रखूंगा। वर्मा जी स्वयं उस विसंगति का जिक्र कर रहे थे जिसके चिंता हम सबको थी और उस चिंता की वजह से एक रूपता लाई गई क्योंकि इंग्लिश का एक प्रवर है सो मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ जरूरत से ज्यादा रसोइये शोरबे का मजा किरकिरा कर देते तरह तरह के आयोग थे। अब मैं पहले आपको सुना था गुलाब जी मैंने आपको सुना था मुझे आप सुनो तो अलग अलग आयोग थे अलग अलग अपनी बस्ती थी अलग अलग राह होता था। अब एक छत के नीचे फैसला होगा फिर शिक्षा व्यवस्था का इसलिए शिक्षा व्यवस्था में जो दुरूपता है विसंगतियां है वो दूर होंगी यह एक विषय इसका। दूसरा इसमें प्रत्येक विभाग के विशेषज्ञ हर बेसिक शिक्षा के भी माध्यमिक शिक्षा के भी उच्च शिक्षा के भी व्यावसायिक शिक्षा के भी जब हर शिक्षा का विशेषज्ञ इस बोर्ड का सदस्य है तो वो परेशानियां भी दूर हो जाएगी जो अलग अलग होने से हो रही थी या जो चिंता व्यक्त हो रही है कि एक होने से वो परेशानियां पैदा होंगी। तीसरा जहां तक प्रवर शक्ति को सौंपने का सवाल है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है बेसिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है व्यवसायिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अभिमत आ चुका है श्रम विभाग का अभिमत आ चुका है न्याय विभाग का अभिमत आ चुका है वित्त विभाग का अभिमत आ चुका है कार्मिक विभाग का अभिमत आ चुका है। इसलिए सबके अभिमत के बाद यह एक्सपेक्ट बनाया गया है बड़े मंथन के बाद ये अमृत निकला है जिसका वितरण समाज में होना चाहिए। मित्रों और मैं कहना चाहूंगा कि अभी गुलाम मोहम्मद साहब ने कुछ बातें रखी उन्होंने कहा नजर लग गई मैं कहता हूं कि बहुत सालों बाद नजर उतर गई क्योंकि इस देश की अब तक की जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने भी नजर लगाई थी इस एकता को हम उसके हावी हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता हम इसके समर्थक हैं हमारे दिल से निकलती है आवाज लेकिन जिन्होंने हिंदी लादी नहीं जाएगी शिक्षा व्यवस्था में इसको बन दिया यानी दक्षिण को उत्तर भारत से अलग किया इस शब्द ने इस सेंटेंस ने इसी तरह अल्पसंख्यक को अलग कर दो क्यों अलग कर रहे हो हमने तो इस आयोग में भी भारतीय एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में नियुक्ति के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उस धर्म एवं भाषा विशेष के शिक्षाविदों धर्मशास्त्र एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वालों को अनिवार्य रूप से चयन प्रक्रिया के विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करने का प्रावधान दिया है। इसलिए ये कहना गलत है कि किसी अल्पसंख्यक के विरोध अब नहीं है वो जो बात करें दो भागों बातें हम वो है जो एक साथ एक छत के नीचे बैठाओ तब एक तय स्थापित होगी अलग अलग तरह से एक का खुलते यही एकदम है जड़ जिससे एकता बनी हुई है और टूट रही है। दूसरा उच्चतम न्यायालय स्थापित अभी पांडे जी बहुत वरिष्ठ है बहुत समझदार है हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है उनके चरणों में रखे हमने समझाया कुछ लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान है कि उच्चतम न्यायालय ने भी एक फैसला दिया इसी विषय पर चयन प्रक्रिया पर और उसने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए ये फैसला उच्चतम न्यायालय का फुल बेंच का है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो अधिनियम ला रहे हैं शिक्षा के लिए समाज के लिए जनता के लिए छात्रों के हितों के लिए है इसको यहां पर पारित करने जरूरी होना चाहिए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग